हेलो गाइस, वेलकम टू नो वाइस किचन। आज हम फ्राइड राइस बना रहे हैं। मेरे घर पे कोई नहीं है और मुझे अपने लिए खाना बनाना है, तो मम्मा थोड़ी सी राइस छोड़ के गई है। I'm gonna make some fried rice, जिसके लिए मैंने एक तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लोव गार्लिक के ले लिए। आई लव गार्लिक, कांट हेल्प इट। 1 onion, 2 tomatinos. That's pretty much it. That's the soy sauce. That's chili sauce. That's capsicum. That's what? Chili sauce again. That's vinegar. Actually, this is Szechuan sauce. Szechuan sauce. So now what we're gonna do is, हम इसको capsicum को काटेंगे, जिसकी technique ये होती है। इससे आप इसकी मिर्ची वाले सारे component बाहर निकाल सकते हो। Let me show you. Like this. इसको घुमाओ ऐसे, और ये टडा, यू हैव अ क्लीन कैप्सिकम। नाउ बची कुची को ऐसे करो, पानी से खंगाल दो। दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ हैव चॉप्ड द कैप्सिकम। अब इसके छोटे छोटे पीस कर देंगे फॉर आवर फ्राइड राइस। मैं इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो बार उंगली कटवा भी चुका हूँ। ये हो गया कैप्सिकम। अब हम गार्लिक के क्लोव्स को काट लेते हैं। थोड़ा सा क्रंची रखेंगे, इसलिए हम पीसेस बड़े बड़े डालेंगे। बिकॉज आई लव टू बाइट इन माय गार्लिक। कट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू कट दी टमाटिनो, विच आई बेसिकली हेट, बिकॉज बहुत मेस हो जाता है इसको काटने में। तो मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक आई लेजिट हेट देम, बट खाने में स्वाद अच्छा आता है और मुझे काटना भी नहीं आता टमाटर। सो इफ ऑल द मदर्स वॉचिंग इट, आई एम सॉरी, मुझे टमाटर काटना नहीं आता। इट्स टाइम फॉर द रियल किंग ऑफ वेजिटेबल, द अनियन। इसको हम स्लैब पे चॉप करेंगे। मैं इसके बड़े चॉप्स करूँगा क्योंकि वो खाने में टेस्टी लगेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। बहुत सारे आंसू आने वाले हैं, मेरे तो हो गए स्टार्ट ऑलरेडी। इज द प्राइस यू पे फॉर कुकिंग योर ओन फूड। दैट्स व्हाई आई मिस माय मदर नाउ। शी विल कम टुमारो। मम्मा आई मिस यू। माँ के काम माँ ही कर सकती है भैया, हम लौंडो के इसकी बात ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेप। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, फिर हमने लाइटर से गैस में आग लगाई, फिर हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ाई, फिर हमने थोड़े आंसू पोंछे, एंड उसके बाद हम गोने यूज द ऑयल। वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, सो प्लीज कट द वीडियो। सो ऑयल हमने डाल दिया कढ़ाई में, एज यू कैन सी। इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। हम नमक भी निकाल के रख ही लेते हैं, बाद में भूल जाए तो इससे बेटर। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, फिर सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, या फिर सबसे पहले लहसुन डालेंगे, एंड हम उसके साथ साथ रामियन भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास कैमरा मैन है एक, उसको भी भूख लगी है। मैन गा रहा ईद मैन, इट्स दैट सिंपल। So, हम रामेन की भी प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए। I'm gonna... This is my pan. पर अगर चाय वाला था तो मैं इसमें बना देता। फिर हम फिल्टर का पानी लेंगे। ये हमने पानी वहां चढ़ा दिया है। अब पहले इसका काम करते हैं। सबसे पहले मैं गार्लिक डालता हूँ। आई डोंट नो पहले गार्लिक जाता है कि अनियन। इट्स ओके, जो भी जाए यार, मैं पहले जो डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। ये गए अनियन, मेरा रीजन है, मतलब मुझे पता नहीं कि पहले कौन सा जाता है, पर मेरा रीजन है गार्लिक बाद में डालने का, कि जब तक ये सॉटे होंगे तब मैं डालूंगा थोड़ा क्रंच बच जाएगा मेरे उसके अंदर, तो क्रंची मुझे पसंद है। ये भी क्रंची हो जाएगी, ये यूजलेस पीस ऑफ वेजिटेबल ये पिघल जाएगा। तो ये अनियन चले गए हैं तेल में, ये 2-4 मिनट लेंगे लाइट ब्राउन होने में। इतने हम अपनी रामेन पे आते हैं।
रामेन को भी कट कर लेते हैं। मेरी किचन वेपन, ये रही हमारी रामेन, ये रामेन का मसाला है। कुछ भी वेस्ट ना जाने दें, सब रख लें, जो रखने का मन ना हो खा जाओ। इट्स टेस्टी। मैंने गैस थोड़ी कम कर दी थी इसलिए स्लो हो गया प्रोसेस, 2 मिनट लगेगी उनको। हमने तेल ठीक ठीक क्वांटिटी में डाला क्योंकि हमारे पास चावल बहुत कम है और फिर वो बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। एंड आई एम ऑन अ डाइट सो दैट किमची आई माइट ईट अ बिट, बट हम ये खाएंगे। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पनीर, मैं वो भी खाऊंगा साथ में। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि एग्जॉस्ट चल रहा है और अनियन मेरे सॉटे हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे माई लवली गार्लिक क्लोव्स। गार्लिक से ना हर चीज़ बढ़िया हो जाती है। गार्लिक इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू द ह्यूमैनिटी। डलती खुशबू आ जाती है। उप्स, हमारा एक गार्लिक उछल के बाहर आ गया था। 2 मिनट इसको भी थोड़ा कुचू मुचू होने देते हैं। हमारा पानी उबल गया तो हम जरा उसमें रामेन ऐड कर देते हैं। तो देयर गोज द रामेन। आई लव कुकिंग समटाइम्स, मेरा टाइम पास बहुत अच्छा होता है कुकिंग करने में। प्लस कुछ ब्लंडर होता है तो मम्मा ठीक करा देती है। आज मम्मा नहीं है तो देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लंडर्स। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मोस्ट बोरिंग एंड इरिटेटिंग सब्जी, टमाटर। अब मुझे पता है अगेन बहुत लोग बोल सकते हैं पहले कैप्सिकम क्यों नहीं डाला, मुझे भी नहीं पता। जरूरी नहीं हर बार स्मार्ट एक्ट करे बंदा, मुझे घंटा नहीं पता मैंने क्यों नहीं डाला। नाउ इट्स टाइम फॉर कैप्सिकम। देयर यू गो। अब थोड़ा सा हीट टेस्ट करो और सब्जियों को मिलाते रहो। क्या करते रहो? मिलाते रहो। इट्स टाइम फॉर द विनेगर। Now it's time for soy sauce. I think this much is enough. पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। गैस थोड़ी तेज कर देता हूँ। It's time for चिली सॉस रहने देते हैं, हम शिजवान सॉस डाल देंगे। मेरे पास शिजवान है। 1 tablespoon, 2 tablespoon, that is it. मुझे पता है दिखने में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लग रहा है, बट ये हो जाएगा। अभी सॉसेस गरम हो रही है। इट्स गुड, इट्स गुड। थोड़ी सी हम चिली सॉस भी डाल देते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज मेरा गला खराब है। बेसिकली इसमें पानी डाल के कुछ भी डाल दो, वो चाइनीज डिश बन जाएगी। बट नमक कम पड़ा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड बासमती राइस। सो देयर गोज द बासमती राइस। थोड़े से टाइट है क्योंकि मैंने फ्रिज में से निकाले हैं, सो इग्नोर दैट। नाउ जस्ट मिक्स योर राइस। गैस को तेज कर देते हैं थोड़ा। नाउ इट्स टाइम थोड़ा हम किमची पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो हमने किमची डाल दिया किमची के अंदर। देयर यू गो, रामेन बन गए, फ्राइड राइस बन गए। प्लेटिंग मुझे आती नहीं है तो यहीं पे कट लगा देते हैं। बाय बाय।